रत्न भंडार केबे खोलिबो दिने दुई दिन भितर बैठक बसी तारीख घोषणा करिबे राज्य सरकार एहा कहिछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मंत्री कहिछंती कि रत्न भंडार खोलिबा निश्चित एने निष्पत्ति मध्य सरी जाइछि। रत्न भंडार खोलिबा पूर्वरु मोडालिटीज प्रस्तुत कराजिबो तारीख नै सरकार विधिवद्ध विज्ञप्ति मध्य प्रकाश करिबे किंतु किछि गणमाध्यम एवं सामाजिक गणमाध्यम रे रत्न भंडार खोलिबा नै जे तारीख कथा कह जाउछि ताहा सठिक नुहे बा एहा पछरे किछि गुजब प्रकाश करा जाउथिबा कह जाइछि। से गुजब को लोके विश्वास न करबा को अपील करिसेंती आईन मंत्री गजपति दिव्यसिंह देव मध्य कहिसेंती कि रत्न भंडार खोलिबा नै 5 तारीख रे जस्टिस अरिजित प्रसाद को अध्यक्षता रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो एहा एक शुभ सूचना शुभ संकेत। तो रत्न भंडार केबे खोलिबो ताकु नै द्वंद लागि रहिछि अनेक सस्पेंस रहिछि आलोचना एने खूब करा जाउछि रत्न भंडार केबे खोला जिवो एवं रत्न भंडार खोलिबा नै कोन सब प्रक्रिया रहिबो किभली भाबर रत्न भंडार खोला जिवो ता पूर्वरु केमती प्रस्तुत रहिबो रत्न भंडार खोला गले ता परे गणति मणति नै प्रक्रिया कोन रहिबो मरामति पई कोन प्रक्रिया रहिबो किंतु सब भितरे रत्न भंडार खोलिबार तारीख ए पर्यंत चुडांत हेइ पारि नाही जदिओ बारंबार बैठक बसीछि राज्य सरकारक तरफरु आईन मंत्री कहउछन्ती कि रत्न भंडार खूब शीघ्र खोलिबो सरकार एने प्रस्तुति आरंभ कर देइछन्ती आलोचना चालीछि किंतु ए पर्यंत किछि निर्दिष्ट तारीख घोषणा करा जाय नाही बा चुडांत करा जाय नाही कि को तारीख रे रत्न भंडार खोलिबा को जाउछि। रत्न भंडार खोलिबा पई एते चर्चा आइथि पई होउछि कि श्रीमंदिर रत्न भंडार रो गुमर कथा बा श्रीमंदिर रत्न भंडार सुरक्षा को नै अनेक आलोचना करा जाय छि आर भितरे गोटे मुख्य प्रसंग वर्तमान समय रे रहिछि तेनु रत्न भंडार खोलिबा गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य रहिबो ए सरकार पई सरकार आसीबा पूर्वर मध्ये आकु प्रसंग करा जायथिला तेनु सरकार दायित्व नेबा परे भारतीय जनता पार्टी याकू केते गुरुत्वर सहित नहीं ए दिगरे कार्य करुछि ता उपरे नजर रहिछि तार भितरे अनेक चर्चा आलोचना करा जाउछि एवं मंत्रीकर मध्य प्रतिक्रिया आसीछि आज एने नभंडार बाबदरे एक निष्पत्ति आसन आज काली भितरे केबे कोन करा जीवो कोन नै से आज काली भितरे से बाबदरे आसीबो एवं से बाबदरे जहां चर्चा आलोचना हवा कथा सरकार विभिन्न स्तर रे सर्वोच्च स्तर रे भी से बाबदरे चर्चा आलोचना सरी खूब शीघ्र ए बाबदरे जो निष्पत्ति जहाँ हवा कथा आज काली भितरे से निष्पत्ति सामना को आसीबो एवं रत्न भंडार खोला जीवार जो प्रक्रिया से प्रक्रिया भी केबे ठरो आरंभ हबो केते दिन लागिबो से संपर्क रे पूरा डिटेल मोडालिटी जहाँ अच्छी से संपर्क भी एक विशेष तथ्य निश्चित भाव बहुत शीघ्र आम गणमाध्यम जरिया ओडिशा प्रदेश जनसाधारण को बहुत शीघ्र जनवाक जाऊँ से दृष्टिकोण रु बाहर अनेक गुड गुजब चली गुजब उपर कहीं विश्वास नक समस्त अनुरोध करुच्ची एवं सरकार तरफ अधिकृत भाव में जो निष्पत्ति से निष्पत्ति बहुत शीघ्र ओडिशार जनसाधारण पाक निश्चित भाव आस 45 वर्ष है रत्न भंडार भितर रत्न भंडार बंद रही जा 2018 मसीह जो भरत्न भंडार खोल उद्यम करागला खोलाई पारा ना कि एसआईरे जो एक्सपर्ट टीम आने सर्च लाइट पकई कि जहाँ देखिले से कहले जे भर रत्न भंडार मरामती करवा निहाती दरकार कारण ता भर पिस्थित भल ना बोली से कहले तेणु मैनेजिंग कमिटी तो नवेदन कर आसलु कितु जहा हूँ आनंद कथा सरकार बर्तमान खोलार प्रस्तुति करत्न भंडार खोलिबा परे इन्वेंटरी कार्यक्रम केमिति हबो एटा संपूर्ण सुरक्षित भावरे आ उत्तम भावरे यार व्यवस्था हबो एटा अति गोटे डेलिकेट सेंसिटिव कार्यक्रम तेणु तापाई आमर एही हाई लेवल कमिटी संपूर्ण व्यवस्था करियो आमर संपूर्ण विश्वास अछि जे सबु काम महाप्रभु के परु भल रहबो किंतु एटा हबार निहाती आवश्यकता दरकार थिला आनंद कथा जे विकास ताहा आमे देखिबा को पाइबा। आपण शुणुते आईन मंत्री प्रतिक्रिया तापरे परे गजपति महाराजा दिव्यसिंह देवं प्रतिक्रिया आईन मंत्री गोटे कथा कहते कि दिने दुई दिन भितर एने किसी निष्पत्ति हो पारे एने गणमाध्यम आगे जना जाई पारे कि केबे रत्न भंडार खोल एने प्रक्रिया आरंभ हो सेपटे गजपति महाराजा कहते कि जेहेतु जस्टिस अरिजित प्रसाद अध्यक्षतार जो बैठक बस बैठक में ये बैठक गोटे शुभ संकेत दौर शुभ सूचना दौर रत्न भंडार खोल प्रक्रिया नहीं आगामी समय पूरा प्रसंग उपर आलोचना करवा आम सहित श्रीक्षेत्र पुरी जोड़ी होती प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। अक्षय रत्न भंडार खोल नहीं अनेक चर्चा आलोचना होनेक द्वंद्व भितर रही सस्पेन्स एवं भी लगी रही कि केबे रत्न भंडार खोल
तो आज मंत्री जो तथ्य रखिंट गणमाध्यम आगे कि दिने दुई दिन भितर हुए तो एने किसी निष्पत्ति पारे वर्तमान स्टाटस कौन एवं जस्टिस अरिजित प्रसाद बैठक पर ये चूड़ांत हो जापे कि केवे रत्नभंडार खोल देखु एवं रत्नभंडार खोल चर्चा ये आसला कि जस्टिस अरिजित प्रसायतों जो गस्त सूची आसी तथ्य को देखिले से स्पष्ट भाव उल्लेख कर पांच तारीख दिन अर्थात जुलाई पांच तारीख दिन अरिजित प्रसायतों जो रत्नभंडार जांच कमिटी एक बैठक कर आठ तारीख रु सतैश तारीख पर्यंत रत्नभंडार इनवेन्ट्री वर्क कर स्पष्ट लिखाई तो से प्रसंग को लेकिन समय चर्चा कले कि रत्नभंडार यही समय भितर खोल कि जहाँ कि स्पष्ट भाव खंडन कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से कहते कि राज्य सरकार विधिवत भाव राज्य सरकार पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाव के रत्नभंडार खोल तार मोडालीटी कौन रहा कि भाव ए प्रक्रिया को आरंभ कर रत्नभंडार खोल नहीं राज्य सरकार पक्षर जो पथरी दिखाई ता पूरण करने मंत्री बारंबार कहते गजपति महाराज जहाँ आज कहते कि रत्नभंडार खोल प्रक्रिया बे स्वागतोग्य एने आलोचना करचाला कमिटी बैठक में निष्पत्ति सरी सारी राज्य सरकार प्रस्ताव दी जा सबकि निष्पत्ति बहन कर राज्य सरकार निष्पत्ति राज्य सरकार जब दिनराज्य करेंगे से दिन खोल तेणु अंपटे रत्नभंडार जांच कमिटी जो सदस्य रही अर्थात परिचालन कमिटी सदस्य माधव महापात्र कहते कि जो रत्नभंडार जांच कमिटी जो डेट धार्य कर डेट्रे खोल पारना कारण यह संभव नुहे कारण से तीन टा जिन से प्रश्न उठुच्च गोटे पटे है कि राज्य सरकार दिन धार्य करेंगे केवे खोल अनुमति निहाती आवश्यक द्वितीय प्रसंग हूँ जस्टिस रघुवीर दास कमिशन जो रत्नभंडार चाबी हजवानी तदंत करते से रिपोर्ट एजावत सार्वजनिक होना से चाबी सठिक बा भूल ताजावत प्रमाण होना और रत्नभंडार जांच कमिटी से रिपोर्ट पाईना यह हूँ द्वितीय प्रसंग तृतीय प्रसंग हूँ जो चाबी मिली डुप्लिकेट की अफ रत्नभंडार तेणु इन रत्नभंडार जब से चाबी डुप्लिकेट से चाबी जो रत्नभंडार चाबी ताला न खोले तेरे भांगे पड़ो तेणु से भांगापी किए अनुमति दब कारण गत थर 2018 मसीह एप्रिल 4 तारीख जो टीम जाता है चाबी न मिलवु से फेरिकी आसी जदि चाबी द्वारा न खोल से भांगा को साहस कले ना तेणु से एक उत्तम निष्पत्ति कारण राज्य सरकार ये निष्पत्ति अनुमति सब प्रकार प्रदान करेंगे तेज रत्नभंडार खोल जापर तेणु सेपटे पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक जेकि परिचालन कमिटी सदस्य से मैं कि मुख्यमंत्री विषय आलोचना कर मुख्यमंत्री एने पॉजिटिव साइन देखते कि सरकार ए वर्ष रत्नभंडार खोलिए स्पष्ट करूँ से कहवा कथा बारंबार एएसआई पक्षर परिचालन कमिटी बैठक में एएसआई रिपोर्ट दि जाता रत्नभंडा को लेकिन जो थे रत्नभंडार स्थित उद्वेगजनक ऊपर पथर खसुची भितर पा जकई तेणु सेपटे लेजर स्कानिंग रिपोर्ट तथ्य आते उद्वेगजनक तथ्य रही तेणु सरकार जाशु कहीं खोलू नए वर्तमान समय सब महल रत्नभंडार खोल को नहीं जो दाबी हो जो चर्चा होने सब प्रमुख कथा है कि रत्नभंडार खोल आवश्यकता बा गुरुत्व सब अधिक कौन पाई रत्नभंडार मरामतिर आवश्यकता अधिक रही ना रत्नभंडारे जो अलंकार रही महाप्रभु तार गणति मणतिर आवश्यकता अधिक गुरुत्व रही देखु एटी प्रथम प्रसंग होला रत्नभंडार गणतिर कथा नुहे प्रथम प्रश्न होला कि रत्नभंडार सुरक्षा जेहतु श्रीमंदिर को आम भावाभ सहित जोड़ीचे महाप्रभु श्रीमंदिर स्थित जदि उद्वेगजनक रही मरामति करुचे तेरे रत्नभंडार रत्नभंडार स्थित खराब अच्छी तेणु तार मरामति निहाती आवश्यक जदि आम एवं मरामति नक तेज कौटना कौट दिन रत्नभंडार भुशुड़ी पड़ो या कोई रत्नभंडार भंडार मेकअप अच्छे से बारंबार कहते एएसआई रिपोर्ट कि रत्नभंडार स्थित खराब उपर प्लास्टर खसुची भितर पा जमी सतंजा रही तेणु जो अलंकार गुड़िक रखा जाता भितर भंडार भितर जहाँकि प्राय 40-50 वर्ष होगा खोल जापारे ना 1978 मसीह शेष्ट खोलाई मणती कराइला किसी अलंकार कड़ाई था जहाँ फल महाप्रभुरा बलभद्र चिता और किसी रूपा कड़ाई था जहाँकि कलाहाट द्वारा मरामती होता तापर आउ तार आकलन करतर को जाइना केवल बाहर भंडार दैनद नीति पर अलंकार अच्छी व्यवहार करा कितु भीतर रत्नभंडार स्थित जेहतु उद्वेगजनक रही के भांगिजी भुशुड़ी पड़ो जदि भुशुड़ी पड़े तेज जो अलंकार अच्छी नष्ट तेणु प्रथम कथा है आग रत्नभंडार मरामति द्वितीय प्रसंग आसा जदि मरामती तेज से रत्नभंडार रहस्य महण महण अलंकार अच्छी
डॉक्टर रघुनाथ मिश्र अलंकार मध्ये कहतले 7 रु 8 मुकुट अछि अनेक हीरा हीरा मोती माणिक अनेक रत्नभंडार गच्छित थिबा अलंकार गणति मणति मध्ये आवश्यकता रहिछि तार गणति मणति करबा तेनु ए प्रसंग को खूब गुरुत्वर सहित नैछन्ति सरकार एवं खूब शीघ्र एने निष्पत्ति होइ पारे बोली आजि गणमाध्यम मध्ये प्रतिक्रिया रखिछन्ति आइन मंत्री तेनु आशा करा जइबो कि एने निष्पत्ति खूब शीघ्र चुडांत हेउ बहुत धन्यवाद अखे आपनकर सूचना पाई।